पांच भीखू की कहानी। एक नगर में एक साहूकार अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। साहूकार की बहू सुबह उठकर कार्तिक महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराए पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। नगर के राजा के लड़के ने भी एक बार कार्तिक माह में नहाने का नियम बनाने के बारे में सोचा। जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी जल्दी नहाने आ जाता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। पांच दिन कार्तिक के रह गए थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी अर्थात जूतियां वहीं रह गईं। राजा का लड़का आया और सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में मुनादी पिटवा दी कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास पांच रात तक आएगी। राजा के बेटे के इस कृत्य की चारों तरफ निंदा होने लगी, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह राजा का बेटा था। जब साहूकार की बहू को इस बात का पता चला तो उसने कहलवा दिया कि मैं पांच दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने बिठा देना जो इस बात की गवाही दे सके कि मैं गई थी। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके सिवा उस स्त्री को कोई और देखे। पहली रात को जब साहूकार की बहू राजा के लड़के के पास पहुंची तो पहली पैड़ी पर पांव रखते ही वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह अर्थात तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है? तो वह बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा और तोते से पूछा, सुबह सुबह क्या वह आई थी? कैसी दिखती थी? तो तोता बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा तब मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। दूसरे दिन जब साहूकार की बहू आई तो उसने पहले दिन के जैसे ही फिर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना की तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। अब वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा तो तोते ने उसकी कही सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और उस रात को वह आंखों में मिर्चें डालकर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई और उसने फिर पहले जैसी प्रार्थना की तो तुरंत राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से कहा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ वह आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा जिससे कि आराम न मिलने के कारण मुझे नींद नहीं आएगी। तो वह रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब साहूकार की बहू नहाने आई तो उसने फिर भगवान से पहले दिन जैसी ही प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा कि वह तो नहाकर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी अपने चारों तरफ लगाकर बैठूंगा जिससे कि मुझे नींद ही ना आए। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, तुमने चार रातें तो निकाल दी, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि तेरी पांच रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला
और मेरी जूतियाँ मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी मोतियों की माला और मोचड़ी अपने घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह तड़पने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि यह तो कार्तिक भी नहाया था, फिर भी इसके शरीर पर यह रोग क्यों हो गया है? इसका शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, यह एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता था, इसलिए इसे यह रोग हुआ है। तब राजा ने पूछा, यह ठीक कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए तो इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा, यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा दो, जब मेरी बहू नहाएगी तो उसका पानी इसी नाली से आएगा और अपने बेटे से कहना कि वो इस पानी से स्नान कर ले। तब राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और उससे नहाया तो उसकी काया चंदन सी हो गई। हे पंच भीखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।